मैं इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, यह वेबसाइट पर अब लोड अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिलाजुलाकर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी।